वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं यहां पे एक ट्रांसफार्मर का डेटा बताने जा रहा हूं जो कि हैवी ड्यूटी का ट्रांसफार्मर डेटा है। ये 50050 आपका ट्रांसफार्मर डेटा रहेगा और जिसकी आउटपुट की जो एम्पेयर रहेगी वो रहेगी 8 एम्पेयर। और दोस्तों ये डिमांड पर मैंने बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड किया गया है दोस्तों कि 50050 8 एम्पेयर में ट्रांसफार्मर डेटा देना था, तो मैंने आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर डेटा बता रहा हूँ 50050 8 एम्पेयर का। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर बहुत हैवी है और आज का जो वीडियो दोस्तों होने वाला है बहुत मजेदार होने वाला है, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल नोटिफिकेशन का बेल है तो क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस स्क्रीन पे मैंने ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइमरी इनपुट होगी, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी इनपुट होगी जो रेड कलर की वाइंडिंग है। आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 50050 है, इसमें आपका दो वाइंडिंग है, एक 50 वोल्ट का है एक 50 वोल्ट का है। आप लोग इसमें बाइफिलर वाइंडिंग करेंगे यानी कि दो तार एक साथ में लेके इसमें वाइंडिंग करना होगा, लेकिन आपको दिखाने आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इसको अलग अलग करके क्योंकि इसमें आप लोगों को समझ में आएगा इसलिए। तो यहाँ पे एक और वाइंडिंग है, इसको बोलते हैं ये होता है आपका प्री एम्पलीफायर के लिए या फिर यूएसबी के लिए सप्लाई एक अलग से जाता है 12 वोल्ट। उस सप्लाई को ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है और बेस ट्रेवल जो सर्किट होता है उसमें ये सप्लाई दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी आउटपुट 1 एम्पियर रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसका डाटा निकालते हैं। डाटा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्राइमरी के, तो थोड़ा इसे तो साफ कर लेते हैं, ये प्राइमरी की तरफ हम लोग चलते हैं। अब दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर का जो डेटा लेंगे तो कोर हम लोग पहले समझ लेते हैं। कोर इसमें 7 नंबर का लेंगे और बोबिन का साइज जो रहेगा 3 इंच, 7 नंबर 3 इंच का रहेगा। तो दोस्तों इसमें इसकी एरिया क्या आएगी हम लोग समझ लेते हैं। इसकी जो एरिया आएगी 3 इंच इसका बोबिन का साइज रहेगा और 7 नंबर का जो बीच का जो लिंब होता है 2 इंच का होता है, तो ये 6 इंच स्क्वायर कोर एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी जो एरिया है 6 इंच का है, तो इस हिसाब से हम लोग टीपीपी निकालने के लिए फार्मूला लेंगे 7.5 का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 7.5 है, ये फार्मूले में आता है, डिवाइड कर देंगे 6 से जो एरिया इसकी एरिया आई थी, तो यहाँ पर जो आ जाएगा इसकी टीपीपी 1.25, यानी कि 1 वोल्ट बनाने के लिए हम लोग को 1.25 टर्न्स हम लोग को लपेटने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है इसका जो वाइंडिंग करेंगे 1.25 करेंगे 1 वोल्ट बनाने के। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लोग चलेंगे प्राइमरी की तरफ। प्राइमरी में जो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज इनपुट करेंगे 230 वोल्ट इनपुट हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट 210 वोल्ट करने पर ये ट्रांसफार्मर जल सकता है क्योंकि, और हम लोग जो है कि मेनली 230 वोल्ट पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं कि यहाँ पे 240 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट में भी ये बेरिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए 230 वोल्ट के लिए हम लोग इसमें वाइंडिंग करते हैं। तो 230 वोल्ट के लिए एक बार कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर निकालने के बाद हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको सब बंद कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.25 का टीपीपी था और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 230 वोल्ट के लिए, बराबर कितना हो जा रहा है 287 टर्न्स हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है, प्राइमरी के लिए। और अब इसकी SWG क्या होगी, वायर की गेज क्या होगी, इसका हम लोग पता करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आउटपुट में इसकी वाटेज कितना है हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे 50050 ट्रांसफार्मर का डाटा है, तो हम हेवी ड्यूटी का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 50050 है, 50050 यानी कि इसमें 100 वोल्ट आपको आउटपुट मिलेगा दोनों सीरीज पे। तो यहाँ पे 100 वोल्ट मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर हम लोग बना रहे हैं, तो 8 एम्पियर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 800 वाट। करने के लिए जो प्राइमरी की एफिशिएंसी लेना पड़ता है, एफिशिएंसी जो कि हम लोग 90% लेते हैं, यानी कि इसकी वर्क जो होती है 90% होती है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर 100% आपको 800 वाट है तो इसमें जो वर्क होगा 110% इसको वर्क करके देना पड़ेगा, यानी 10% एक्स्ट्रा करके देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 110% करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आपको एक आइडिया बता देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 880 वाट का ये इसको आउटपुट आपको लेके चलना पड़ेगा, वाट बना के लेके चलना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे 230 वोल्ट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 382 इसकी एम्पियर ड्रॉ करेगी प्राइमरी की, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो एम्पियर ड्रॉ कर रही है 386 या फिर 82 मान लीजिए, इस हिसाब से वायर लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से वायर यहाँ पे जो आएगा, आप लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट जब देखेंगे SWG का तो इसमें वायर आ जाएगा 19 SWG, ठीक है, प्राइमरी में।
ये प्राइमरी का जो सेक्शन था ये तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी की तरफ। तो सेकेंडरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 50.058 एम्पियर है। तो यहाँ पे भी एक बार हम लोग चलेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.25 जो TPB था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना वोल्ट से, 50 वोल्ट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है 60.5 टर्न्स आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे दोस्तों इसमें वाइंडिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा क्यों लेके चलेंगे, कभी कभी क्या होता है इनपुट में जो 230 वोल्ट है वहाँ पे 220 वोल्ट भी आ जाती है, 210 वोल्ट भी आ जाती है, आने पर आउटपुट का जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 64 टर्न्स लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलेंगे टर्न्स 64 टर्न्स लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में 0 वोल्ट के लिए यहाँ पे आपका 0 टर्न्स रहेंगे, 0 वोल्ट के लिए 0 टर्न्स रहेगा यहाँ पे, और फिर 50 वोल्ट के लिए आपको 64 टर्न्स यहाँ पे ले लेंगे। तो ये आपका 8 एम्पीयर के लिए वायर कौन सा लगेगा, तो इसमें ये 50.058 एम्पीयर, ये पहले से हम लोग मालूम चलता है आउटपुट में कितना एम्पीयर ये ड्रो कर रहा है, 8 एम्पीयर कर रहा था। 8 एम्पीयर का लिस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे वायर जो लगेगा 16 SWG आपको यहाँ पे वायर लेना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 16 SWG वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। और दोस्तों इसमें एक प्री एम्पलीफायर के लिए एक वाइंडिंग और होता है जो कि BP में चला जाता है बेस ट्रेवल में। तो यहाँ पे 1 एम्पीयर के लिए जो वायर हम लोग लेंगे 24 SWG लेंगे, 24 SWG लेंगे यहाँ पे, ठीक है 1 एम्पीयर के लिए। अब दोस्तों इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स पता करने के लिए सिंपल मैंने फार्मूला बताया था, इसमें जो TPB था 1.25 था और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना वोल्ट से, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 15 टर्न्स। यहाँ पे आप 15 टर्न्स ले सकते हैं या फिर इसमें 16 टर्न्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इनपुट में वोल्टेज कम होने पर आउटपुट में भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक टर्न्स बढ़ा दीजिए, ज़्यादा नहीं, एक टर्न्स आप बढ़ा देंगे तो ये बेस्ट होगा था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 50 वोल्ट के लिए 64 टर्न्स लपेटना पड़ेगा, मैंने बताया था 7 नंबर रहेगा, 3 इंच में बनाएंगे आप, ठीक है। प्राइमरी में आपको 230 वोल्ट के लिए 287 टर्न्स लपेटेंगे जो कि इसकी एम्पीयर ड्रॉ करेगी 3.86, और SWG रहेगा 19। सेकेंडरी में चलेंगे हम लोग 50 वोल्ट के लिए 64 टर्न्स लपेटेंगे, 16 नंबर का वायर रहेगा। उसके बाद में 12.012 बनाना है, तो उस तरह ये 50.050 होता है। तो आप लोग अलग अलग वाइंडिंग भी कर सकते हैं और एक साथ में भी कर सकते हैं। दोस्तों एक साथ में वाइंडिंग करने से फायदा यही होता है कि जो आउटपुट का वोल्टेज होता है वो बराबर होता है, थोड़ा भी वोल्टेज कम बेसी नहीं होता है। तो बाईफिलर वाइंडिंग करेंगे तो बेस्ट होगा। बाईफिलर वाइंडिंग क्या होता है दोस्तों, दो तार एक साथ में लेके लपेटना होता है, ठीक है, दो तार एक साथ में लेके लपेटना होता है, और बाद में जो लास्ट में बचेगा उसके साथ में एक निकल जाएगा और एक निकल जाएगा, क्रॉस कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 50 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे 50 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, जब इसे बाईफिलर वाइंडिंग करेंगे सीरीज में लगाकर सप्लाई उसको चेक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे चेक करेंगे तो 50.050 रहेगा, तो लास्ट टेपिंग में आपको 100 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा तो ये गलत है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है 100 वोल्ट मिल जाएंगे और बीच बीच से 50 वोल्ट मिल जाएंगे, तो ये आप जो क्रॉस कनेक्शन किए हैं 100% ओके है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा रहा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।